Yeah.
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री बाबा श्री अद्वैत गदाधर शिवासति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम जय गुरुवर की जय। सबसे पहले मेरे गुरुदेव लीला प्रविष्ण परमानंदतम किदंडी स्वामी भक्तिदानंद भवानंद स्वामी महाराज नित्रीला प्रविष्ट परमहंस परिकुल नित्यानंद स्वामी उनके गुरु के युगल चरण कमल प्रणाम भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी और माधव महाराज अन्य सभी वैष्णव वैष्णव सज्जन सभी के चरण। अभी ब्रज मंडल परिक्रमा शुरू हो चुकी है। महाराज जी उन्होंने महाप्रभु की चैतन्य चरितामृत की महाप्रभु की महिमा सुना रहे हैं और मैं 5-10 मिनट ब्रजमंडल परिक्रमा। जब भी जिनको समय मिलता है तो जरूर ब्रजमंडल में अटेंड करना चाहिए। कल बताया था कि जिस जन्म मरण चक्कर तभी छूटे जब हम परिक्रमा करें, ये भी एक परिक्रमा है ना। वो बताया ना 84 लाख जनी जलजा नवलक्षणी स्थावरा लक्षण से कृमया रुद्र संपदा दस लक्षण 30 लक्षणी पुष्पा मानव चित्र जल में मछलियां कितनी बार है 9 लाख पेड़ पौधा कितने वाला 20 लाख 29 टोटल 29 है 9 लाख मछलियां हो गए ना 20 लाख पेड़ पौधे 29 11 लाख कीड़े मकोड़े 40 10 लाख जो चिड़िया 50 और 30 लाख बच्चे बोकरा बोकरी भैंस 80 लाख के बाद मनुष्य जन्म कितनी दुर्लभ। तभी शास्त्र में गुरु वैष्णव लोगों ने बार बार बोलते हैं जो भजन करो हरे कृष्ण भजन करो। इसलिए इसमें वही आहार निद्रा भय और मैथुन इस चार काम में लग गए तो फिर वो उसमें उस कोई अंतर नहीं है। जो हरि भजन करते हैं उनको वैष्णव भक्त करते, इसलिए बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि सौ काम छोड़ करके नहा लेना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके भोजन ले लेना चाहिए और करोड़ों काम छोड़ करके हरि भजन कृष्ण भजन। कृष्ण की कितनी महिमा। अभी नवरात्र व्रत है कई कई लोग रखते लेकिन वैष्णव लोग नहीं रखते, क्योंकि जो माताएं हैं वो भी वैष्णव की भक्त है। एक हाथ में 10 भुजा में एक हाथ में भगवान की हरि नाम की माला है। माया देवी प्रेम मांग रही थे कि विष्णु वो भी खुद ही प्रेम की भिक्षा करते, क्योंकि सभी कृष्ण के दास है। इस चैतन्य चरितामृत में बताया ना कि हो माने कि हो ना माने सभी कृष्ण के दास, जे ना माने तार सही पापे हो नाश, जो नहीं मानते हैं तो सब नाश है। इसलिए दुर्गा माता भी वो भी भजन करो कृष्ण, जो भजन नहीं करेंगे उसके लिए वो 3 छड़ी लेकर के पिटाई करते, आदि दैविकता आदि भौतिकता। तभी मथुरा परिक्रमा चल रही है। मथुरा मधुबन में द्वादश कानन गाते हैं, द्वादश कानन
कानन मतलब वन, तो मथुरा भी मधु वन में आता है। मधुवन, मधुवन की लीला भी बहुत सारी लीलाएं हैं, तो बड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़े थोड़े सुनाते रहेंगे तो महाराज जी भी सुनाएंगे। इस मथुरा में विश्राम घाट है दीर्घ विष्णु और कृष्ण वराह में मूर्ति, बहुत पुरानी मूर्ति है, सब बहुत कथाएं हैं। केशव देव आदि, केशव देव जो है तीन देव हैं उसमें, आदि केशव देव जो है वो मथुरा में, कृष्ण वासुदेव कृष्ण वहाँ पे प्रकट हुए, वो भी वहाँ पे देवकी देव वसुदेव को जिस जेल में बंदी करके रखा, वहाँ रंगेश्वर भूतेश्वर मंदिर है। मथुरा धाम वैकुंठ से भी श्रेष्ठ, क्यों? क्योंकि वैकुंठ में से भी ऊपर कौन है? मथुरा, फिर द्वारका, फिर वृंदावन। मथुरा धाम सुदर्शन चक्र से के द्वारा रक्षित है। कौन रक्षा कर रहे हैं? सुदर्शन चक्र। अम्बरीश महाराज का रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र रहते हैं, भगवान विष्णु खुद ही प्रोटेक्शन करते हैं। नौकरी जो करते हैं सरकारी बड़े बड़े, तो वो कोई जाते हैं मंत्री उनके साथ में फोर्स होते हैं, लेटर वो लोग है ना बंदूक पकड़ कर, कुछ गड़बड़ करेंगे गोली मार, तो उस प्रकार भगवान के जो भक्त हैं शुद्ध भक्त वो क्या करते हैं? भगवान विष्णु उनके लिए सुदर्शन चक्र रखते हैं, एकदम जीव जान खत्म कर देते हैं। शत्रु बोलते हैं भक्तों के कोई विघ्न करना चाहते हैं, जो मन में सोचा उसी समय ही उनका विनाश हो जाए। अम्बरीश महाराज को देखा, ये कथा आप लोग जानते हैं, समय कम है, महाराज बताएं। तो इस मधुसूदन चक द्वारका धाम भगवान के भुजों के द्वारा आलिंगित है, बाहु के द्वारा, इसीलिए नारद जी को जो श्राप मिला जो तुम कहीं भी नहीं ठहर रुक नहीं सकते, कितना टाइम? गोदहन का गाय को भूत काटने में जितना टाइम उतना ही बाहर, महात्मा लोग इसीलिए कहाँ ठहर। इसलिए महाराज जी कहा दिल्ली कभी, राजस्थान कभी, गुजरात कभी, विदेश है ना, सन्यासी लोग का ही काम। तो वैष्णव का अगर कहीं श्राप देते हैं तो वो आशीर्वाद हो जाता है ना, आशीर्वाद। शिव जी को उन्होंने दक्ष प्रजापति ने कितना निंदा किया, लेकिन शिव जी ने कुछ नहीं, मुस्कुराए। उन्हें क्या हुआ? उनका आशीर्वाद और इनको जो सत्यनाश हो, मैं करता था इसलिए बोबरा सर। तो इसलिए मथुरा धाम की जय, परिक्रमा की जय, पूज्य श्रीधर महाराज की जय, गौर प्रमानंद। इसलिए दो चार लाइन हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीन बंधु जगतपते गोपेश विगत श्री राधाकांत नमस्तुते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुत देवी प्रणमा कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवत नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला विष्णु विष्णुपाद श्रोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला विष्णु विष्णुपाद श्रोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि उपस्थित भक्तिवेदांत श्री सात महाराज इन्हें वैष्णव वैष्णवी सबको भी जता महाराज जी का भी आप लोग को ब्रजमंडल परिक्रमा की कथा सुना रहे। ये ब्रजमंडल परिक्रमा की कोई साधारण प्रश्न नहीं है, इसलिए कृष्णा से नारद ने दो वर मांगे। पहला वर उनका था जब ये बृहद भागवत अमृत समाप्त हो गया और नारद जी धीरे धीरे ज्ञानी भक्त ज्ञानी से गए शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त से प्रेमी प्रेमापर और प्रेमातु श्री उद्धव जी कथा सुना। उद्धव जी कैसे ब्रज गोपियों की चरण की धूल कैसे प्रार्थना करते हैं और लास्ट में राधा रानी की चरण की एक धूल को उद्धव जी ने वंदना की और लास्ट में लेकर उनको ब्रजभक्ति और ब्रजभक्ति में भी उनको राधा रानी की प्रेम की जब उन्होंने सर्वोत्तमता उनको सुनाए तब नारद जी सर्वश्रेष्ठ प्रेम को स्थापन किया। इसलिए भगवान नारद जी के ऊपर बड़े प्रसन्न हो गए, बोले नारद जी मेरे को बरमा क्या चाहते हैं। तो उन्होंने भगवान से दो बरमा, बोले प्रभु हमें पहला बर ये दो जैसे तुम्हारी कथा सुन करके ना किसी को अरुच नहीं होनी चाहिए, जितने कथा सुने उतना लगे और सुने और सुने और सुने हैं। दूसरी बार मांगे अगर कोई आपका भक्तों का अनुगत्य भी ये ब्रजमंडल नवद्वीप धाम जगन्नाथपुरी धाम अगर कोई परिक्रमा करे और वहाँ पर जाए वहाँ पर बैठे और वहाँ की कथा सुने और वहाँ का धूल को अपना शरीर पर लगाए अब हमें ये वरदान दो वो जो प्रेम है हम जो ब्रज प्रेम है जैसे उसको हृदय में प्राप्त हो हमें आप ये आशीर्वाद दो। इसलिए भगवान कृष्ण ने ये आशीर्वाद दिया है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गौरव मार्ज सर्वस्थान में करल ब्राह्मण से सर्वस्थान हरि बामी प्रणय भगत संगे शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जहाँ जहाँ पर उन्होंने लीला की कैसे दर्शन करने चाहिए अपने आप नहीं कहते रसी की भक्तों का आनुगत्य से परिक्रमा करनी चाहिए। रसी की भक्तों का आनुगत्य से परिक्रमा करने पर क्या होगा हृदय में वो प्रेम हृदय में प्रकट होगा। बोले श्री वृंदावन धाम की माता के सामने बस सामने सामने व्यक्ति के सामने चार चार इधर ये एक ब्रजमंडल परिक्रमा की ये एक महिमा है और जो दूसरी महिमा क्या है
तब से अनंत संहिता में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। बल एक समय स्वयं अनंत देव महाविष्णु के पास में गए, बल हे महाविष्णु, आपका आशीर्वाद से हमने सारे धाम को तो दर्शन किए, लेकिन अभी तक एक धाम अभी तक मेरे दर्शन नहीं हुआ। बोले कौन सा धाम? ब्रज धाम। अंदर वृंदावन धाम नहीं जा पाया, सब आपका आशीर्वाद से सारे धाम में गया। देखो महाविष्णु क्या कहते हैं। बोले ब्रज धाम तेरे को पता है ये ब्रज धाम क्या है? ये वृंदावन धाम क्या तुम्हें पता है? ये वृंदावन धाम कोई साधारण नहीं। बोले तुम्हारी बात छोड़ दो, मैं स्वयं महाविष्णु कहते हैं मैं स्वयं ही ब्रज धाम दर्शन नहीं कर पाया। बोले मेरी बात को छोड़ दो, जो कारण तो बसाई, जो गर्भ तो बसाई, जो हिराप बिसाई विष्णु, ये लोग भी ब्रज धाम को दर्शन नहीं कर पाए, ये भी प्रवेश नहीं कर पाए। अब लोग गए होंगे ब्रज मंडल में, अब लोग जमुना की उस पार में बैल बैल में बैठी हुई, सारे जगह में देखो लक्ष्मी को ऐसे बैठती है, आशीर्वाद देती है, लेकिन वहां पर देखना लक्ष्मी तपस्या कर रही, हाथ जोड़ कर तपस्या कर रही। बोले कब से? बोले कब से तपस्या कर रहे हैं? बोले विश्वनाथ जी ठाकुर को बोले कब से पता नहीं। बोले अभी तक क्या वृंदावन में नहीं जाते? बोले अभी तक भी वृंदावन में लक्ष्मी भी प्रवेश नहीं कर पाते। इतने ही वृंदावन धाम की महत्व है कि उद्धव जी केवल यहाँ पर गुलम लता और औषधि, केवल इन्हें ये तीन चीज को मैंने प्रार्थना की है, मेरा तभी ये सौभाग्य होगा अगर ब्रजमंडल में कहीं घास बन जाए। बोले घास भी बनना चाहता। बोले गोपियाँ जब कृष्ण से मिलने जाएंगे चल कर तो जाने, जब चल करके जाएंगी अगर घास बना रहेगा तो क्या होगा? सर पर प्यार तो पड़ेगा और किसी ना किसी तरह से मेरी चरण की धूल बन जाए। बोले तुम लता क्यों बनना चाहते हो? बोले भगवान तथा प्रमद मदन लीला तंदर रचय चिन्ह वजून तम तम स्मी नंद। भगवान कुंज कुंज में लीला करेंगे, अगर हम लता पता बन कर रहेंगे ना बस उनका दर्शन हो जाएगा। बोले औषधि वृक्ष के रूप में प्रार्थना करते हैं। बोले क्यों? अगर कहीं बीमारी पड़ेंगे औषध खाएंगे, अगर हम जड़ी बूटी बन जाएंगे ना, जब वो खाएंगे उनका हृदय में चला जाएगा। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति आशा, आशा मतलब वो आशा रखे क्या मेरा ऐसे जीवन होगा, लेकिन ये नहीं बताए कि मैं बन गए कितने ही, वो आशा रखते हैं। और उद्धव जैसे व्यक्ति, उद्धव कौन है? बोले कृष्ण नाम परम रघुवंशी कृष्ण सत्य, कृष्ण की सखा है, बंधु है, उनके मंत्री है, उनको परामर्श देने वाले, एक साथ में खाने वाले, एक साथ में सोने वाले हैं। इसलिए भगवान को जो परामर्श देने वाले कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव तुम मेरे जितने प्रिय हो, मेरा जो बेटा है ना कौन ब्रह्मा, वो मेरा इतना प्रिय नहीं। बल इनकी बात छोड़ दो, जो हरिहर एकात्मा जो स्वयं शंकर जी हैं, कहते वो भी मेरे इतने प्रिय नहीं। बोले उससे ज़्यादा प्रिया कौन? बोले बीबी अपना पति, कितना प्यारी होती है। कहते तू इतना प्रिय? बोले बीबी भी इतना प्रिय नहीं। बोले बीबी की छोड़ दो बात। बोले जो अभिन्न मेरे स्वरूप श्री बलदेव प्रभु, वो भी इतना प्रिय नहीं। बोले बलदेव की बात छोड़ दो, मैं मेरा जो आत्मा है ना, वो आत्मा भी मेरा इतना प्रिय नहीं। तो जितने मेरे प्रिय हो, इसलिए वो क्या प्रार्थना करते? ब्रज में गुलम लता औषध वृक्ष में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। इतनी ये ब्रज की महिमा,
ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जिसने ये दुनिया को सृष्टि की है, जब उन्होंने ग्वाल बालों को चोरी की सखा को, जब उनको पता चला कि सर्व कार्य का कारण है भगवान के चरण में आकर के माफी मांगने लगे, नाक रगड़ने लग गए, लौट को दुखाने लग गए, भगवान बोले क्या चाहते हो, पता क्या चाहते, क्या मेरे कोई सखा सखी बनना चाहते, बोले नहीं हमें इतने सौभाग्य दे दिया तुम्हारे ब्रज में कहीं सखा सखी बन गया, तुम फिर कोई जानवर बनना चाहते हो, चिड़िया जानवर, बोले नहीं 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 देखो ब्रह्मा जैसे व्यक्ति दुनिया की सृष्टि की और हमारे आदि गुरु को कहते नहीं 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 हमने इतने सौभाग्य दे दिया वहाँ कोई चिड़िया जानवर बन सके, बोले फिर कोई लता पता बन गया, कोई लता पता मत बोले नहीं 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 वहाँ की लता पता भी रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ब्रज की जितने लता पत्ता कीड़े मकोड़े है ना वो सबके सब भगवान की सेवक है, वो देखने लगता है ये कीड़े मकोड़े तो लता पत्ता कितना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई डाल डाल और पत्ते पत्ते में श्री राधे राधे हो कभी वहाँ लता पत्ता कीड़े मकोड़े भी साधारण नहीं। इसलिए गुरुदेव बड़ा सुंदर कथा सुना, गुरुदेव कहते देखो वहाँ के कीड़े जानवर साथ भी कृष्ण सेवा करते हैं, जो कृष्ण जो काम नहीं कर पाते तो गुरुदेव बोलते थे बोले एक दिन राधा रानी बड़ी मान की कृष्ण बहुत मनाए चरण में भी गिर पड़े क्यों मान कर रहे हो छोड़ दो, लेकिन किसी तरह से राधा रानी को मान किसी तरह से दूर नहीं हो रहा, इतने में राधा रानी कुंजो छोड़ कर जा रहे कृष्ण तो एकदम दुखी हो गए, बोले राधा रानी मेरे को छोड़ कर ले जा रहे, लेकिन जब राधा रानी थोड़ी सी निकली ना तो निकलते ही एक काला सांप एकदम सर पे सटा करके हंस फंस करने लग गया और राधा रानी काले सांप को देख करके डर गए और जो जा रहे थे ना जो मान थी वो मान खत्म हो गया, डरते हुए अंदर में आए कृष्ण की गोद में बैठे। गुरुदेव कहते थे बोले देखो जो काम कृष्ण नहीं कर पाए वो काम एक सांप कर, तो गुरुदेव कहते थे कभी ये सांप कोई साधारण है क्या, ये सांप कोई साधारण नहीं, इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं यहाँ के कीड़े मकोड़े ना बिच्छू ये सब के सब कृष्ण लीला के सब मदद करने लगते हैं, ये तो साधारण नहीं। बोले श्री राधा रमन लाल की, बोले श्री गुरुदेव की, इसलिए कहते कोई साधारण नहीं, इसलिए भगवान कहते क्या यहाँ कीड़े मकड़े बन गया, बोले नहीं नहीं कीड़े मकड़े भी बन नहीं सकते, बोले फिर क्या चाहते हैं, बोले ब्रज में तो कोई जन्म लेना नहीं ब्रज असल भगवत में, बोले फिर चाहते क्या, बोले ब्रज का बाहर में जहाँ छोटी जाति के लोग रहते हैं ना उनको घर के सामने पत्थर रखते अंदर में जाएंगे उसको पर प्यार रगड़ेंगे प्यार धोएंगे तब मेरे जीवन धन्य हो जाएगी कौन मार रहे, बोले किसान पत्थर आज मार रहे पत्थर जन्म के लिए प्रार्थना। इसलिए ये ब्रजधाम की इतने महत्व, शंकर जी कौन है सत्य शिव सुंदर जो जोगी जोगी वहाँ तुम प्रवेश नहीं कर पाए गोपी भी बने हैं लेकिन वहाँ से गोपियाँ उनको निकाल दिया कुंज से निकाल दिया उनको, शंकर जैसे व्यक्ति कौन सा काम बोले तलवार का काम, ये महाविष्णु ये अनंत देव को कथा सुना रहे हैं भैया ये वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं, वो जानते हो वहाँ का पानी कैसे वहाँ का नदी कैसे, वो जो नदी बहती है यमुना महारानी वो क्या रचिता आनंद भान सदा सनंद सुनो परम प्रेम पात्र लघाना पवित्री, जो वहाँ पर यमुना बहती है कहते ब्रज की जो नदी वो साधारण नहीं, बोले नदी क्या है, बोले राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर के पानी बनती है तभी ये यमुना महारानी बनती है, बोले गिरिराज गोवर्धन क्या, बोले राधा कृष्ण का प्रेम क्या तो वो पानी होकर तब नदी बहती है, राधा कृष्ण का प्रेम जब जम जाती है वो जमा हुआ रूप होता है इसे गिरिराज गोवर्धन, बोले गिरिराज महाराज की है, इसलिए गिरिराज गोवर्धन ही है क्या तो वहां पर तालाब भी साधारण नहीं, जैसे प्रेम सरोवर प्रेम सरोवर बना कैसे, जब राधा कृष्ण की प्रेम दोनों प्रेम में द्रवीभूत हुए वो द्रवीभूत होकर के वो प्रेम ही वहाँ पर सरोवर बन गया, बोले मानसिक गंगा कृष्ण के मन से प्रकट हुआ
बोले मान सरोवर। राधा रानी जब कृष्ण प्रेम में मांग की हैं तब तो उनको आंखों से आंसुओं से भी ये नदी बन गई। बोले राधा कुंड श्याम कुंड किया, बोले राधा कुंड श्याम कुंड में ही ये राधा कुंड स्वयं श्री राधा रानी। कृष्ण कुंड ये स्वयं कृष्ण ही ये कृष्ण कुंड रूप धारण किए। यहाँ तालाब कोई साधारण नहीं है, ये तालाब भी साधारण नहीं, ये सब के सब कृष्ण प्रेम ही ब्रज में तालाब बने हुए। बोले एक समय जितने सारे तीर्थ लोग बैठ गए थे मीटिंग की, मीटिंग में ये किए, देखो जैसे एक राजा होता है, फिर राजा को सब दर्शन करने जाते हैं, त्याग से देते कर देते हैं। एक बहुत बड़ा मीटिंग हुई सारे तीर्थ में। बोले हम राजा किसको बनाए? बोले देखो ये प्रयाग को राजा बनाए, क्योंकि ये तीर्थराज है, गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों नदी जहाँ पर मिली वो प्रयाग है, इसलिए हम कहते हैं तीर्थराज प्रयाग। ये प्रयाग को ही राजा बना, जो राजा बनेगा उसको रोज दर्शन करने जाना पड़ेगा, उसको कर देना पड़ेगा। अभी सबके सब तीर्थ जाते हैं, उनको दर्शन करते हैं और उनको कर्ज देते हैं। लेकिन ये ब्रज का, बोले नदी की बात छोड़ दो, वहाँ तालाब की बात छोड़ दो, वहाँ के एक एक कुएं तक भी दर्शन करने नहीं जाते। एक ने प्रयाग दुखी होकर के आया, बोले प्रभु आप मेरे को तीर्थराज बना दिए। लेकिन सत्य सब तो आते हैं, लेकिन आपका ब्रज से कोई नहीं आते। नदी तालाब की बात छोड़ो, वहाँ के कुआ तक भी वो मेरे पास नहीं आते, फिर मैं राजा किस चीज़ की? कृष्ण ने कहा देखो राजा किसने बनाया? मैंने बनाया, लेकिन तेरे को तो मैंने राजा बनाया, लेकिन अपना घर का राजा नहीं बनाया। तुम्हें पता ही वृंदावन धाम किया, कहते मेरा घर है, मैं अपना घर का राजा नहीं बनाया। और वृंदावन धाम की इतनी महिमा, वहाँ के जो धूल कण है, वहाँ के जो धूल कण है उसमें इतने शक्ति है, इतने ऐसे प्रयाग को प्रकट कर देंगे। इसलिए कहते हैं ना किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहा, केशव की कैली कुंज कोटी कोटि काशी है, वो बिन के द्वार कहे हरिद्वार, के बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। बोले स्वर्ग अपकर्क हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं है क्या हम वृंदावन वासी। बोले किरत सुता के पद पद में प्रयाग जहाँ, राधा रानी की जहाँ चनक गिरती है वो एक नहीं पग पग में प्रयाग है, और केशव के कैली कुंज कोटि कोटि काशी है, हैं? इसलिए वृंदावन धाम कोई साधारण नहीं। कौन कह रहे? महाविष्णु कह रहे ये वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं। ये लोग भी प्रवेश नहीं कर पाए, अब हम कहाँ प्रवेश कर पाएंगे? फिर उन्होंने बोले फिर क्या वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकते? क्या वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं होगा? बोले हाँ एक उपाय है। बोले क्या है? बोले जब तक कोई व्यक्ति गोपियों की अनुगत का स्वीकार नहीं करे तब तक ये वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन ये गोपियों की अनुगत्य भी कोई साधारण वस्तु नहीं। ये उद्धव भी प्रार्थना की, ब्रह्मा भी प्रार्थना करते हैं, सबके सब बड़े बड़े व्यक्ति इनकी गोपियों की कृपा को प्रार्थना करते हैं, इन्हें भी प्राप्त नहीं हुआ। बोले कह रहे असंभव ही प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भैर महाविष्णु कहते हैं एक सबसे सरल उपाय। बोले क्या सरल उपाय है? बोले वही ब्रज प्रेम को देने के लिए अभी स्वयं सचिनंदन गौरहरि श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में जन्म। अगर कोई नवद्वीप धाम जाए, नवद्वीप धाम की परिक्रमा लगाए हैं वैष्णव के आनुगत्य में, और उल्लास नदियों में जाए, वहाँ का धूल का शरीर पर लगाए, बास अगर कोई नवद्वीप परिक्रमा करेगा ना, बास एकदम उसके ऊपर में अपनी आप। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते बोले गौरांग दुटी पद जापद से जानी भक्ति रस सार। बोलो गौरांग दुटी पद जा।
तरंग जेवा डूबे से राधा माधव अंतर। इसका मतलब है जो व्यक्ति महाप्रभु की प्रेम रस में जो डूबता है ना, जो गुरुदेव कहते थे अगर कोई नवद्वीप में जो नदिया घाट है, निर्दया घाट जहाँ पर महाप्रभु संन्यास लिया है, अगर वो निर्दया घाट में कोई गोता लगाएगा ना, लेकिन निकलेगा कहाँ पर, वो कैसी घाट, वो कैसी घाट, वृंदावन में निकलेगा। मतलब राधा कृष्ण प्रेम में तब डूबो, जब डूबोगे ना अपनी आप में राधा कृष्ण प्रेम में अपनी आप प्राप्त हो जाएगी, अपनी आप पूर्ण हो जाएगी। हाँ, इसलिए बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। इसलिए महाविष्णु कहते हैं अगर किसी को ये वृंदावन धाम में प्रवेश करना चाहते हो, सबसे जो आसान है श्री महाप्रभु का भक्ति करो और श्री नवद्वीप धाम में जाओ और नवद्वीप धाम में परिक्रमा लगाओ, बस अपने आप में वृंदावन धाम अपने आप प्रवेश कर जाएगा। इसलिए क्योंकि वृंदावन धाम महाराज अभी बता रहे थे ना वृंदावन की महिमा, इसलिए आप लोग रोज रोज महाराज को आपको कथा सुनाएंगे, क्योंकि परिक्रमा दो तरह से, एक मन से और एक शरीर से, एक शरीर से और एक मन से। अगर यहाँ बैठ करके रोज रोज वृंदावन की कथा सुनेंगे, समझो आप बैठ बैठ करके ना वृंदावन धाम की परिक्रमा लगा देंगे, वृंदा महाराज रोज रोज आपको वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाएंगे। बोले श्री वृंदावन धाम की जय। हम लोग कल सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु दो व्यक्ति को अर्ण दिया, किसको किसको बुलाया था, क्यों बुलाए थे, मैंने एक कारण बता दिया और एक कारण कौन होता है, दीक्षा लेने के लिए हरि नाम का प्रचार, और कारण क्या है, बोलो कौन बोलेगा, कल कौन थे कथा, हाँ प्रभु जी बताए, पहला कारण तो बताया आदि गुरु और हरिदास ठाकुर जी नामाचार्य, दूसरा कारण बताया था आपने कि नाम की दीक्षा सर्वश्रेष्ठ है, हमारे सर्वश्रेष्ठ नाम है, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो सारे सारे ब्रह्मांडों के अधिपति हैं नित्य प्रभु और एक ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा जी के रूप में हरिदास ठाकुर, तो वही बड़े नाम की दीक्षा लेने के लिए बड़े लोग ही जाएंगे, नहीं बड़े लोग नहीं जाएंगे, मतलब जो जितने बड़ा व्यक्ति होता है ना उसको उतना ही बड़ा भिक्षा देने जाए, इसलिए वो कोई छोटे मोटे भिक्षा लेने के लिए नहीं गए, वो साक्षात भिक्षा लेने के लिए गए, बोल कृष्ण भज कृष्ण और कर कृष्ण, वो साक्षात भगवान के प्रेम को भिक्षा मांगने के लिए गए, कोई छोटे मोटे दाल चावल रुपया पैसा के भिक्षा के लिए नहीं गए। तो दूसरा कारण हो गया, अब तीसरा कार्यक्रम बताए, याद है पर काफी ले गया और एक एक पॉइंट ले तुम्हें याद है, और कौन बोलेगा किसका कारण क्या, कौन बोलेगा बता, क्या बोल रहे हो, भगवान की भक्ति, हाँ ये कारण, इसलिए ये एक कारण है, उन्होंने नित्यानंद हरिदास ठाकुर को इसलिए भेजे, नित्यानंद प्रभु वर्ण का सर्वश्रेष्ठ वर्ण है और हरिदास ठाकुर सबसे नीचा गुरु जी बन जाते मिलेच्छर गुरु जी, इसलिए शिक्षा देते हैं जे भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है, छोटे से छोटे जाति भी भक्ति कर सकता और बड़े से बड़े व्यक्ति भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान की भक्ति में सबकी अधिकार है। इसलिए क्योंकि जीवन स्वरूप हरे कृष्ण नित्यता, हम सबके सब भगवान के नित्य सेवक हैं, होने का नाते भगवान की भक्ति में सभी का अधिकार, इसलिए उन्होंने ये दो ग्रंथ बताए, अभी तीन हो गया, अभी चौथा कारण कौन बोलेगा, नित्यानंद प्रभु जो है उन्होंने सारे ब्रह्मांड के वो है सृष्टि करता है और ब्रह्मा जी भी सृष्टि करता है, तो जो जीव है उनका पालन करने के लिए, क्योंकि जीवों को उनको कर्तव्य बताने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए भी उनको हरिनाम हरिनाम देने के लिए, इसलिए चौथा कारण बताए, ब्रह्मा जगत का सृष्टि करते हैं, एक ब्रह्मांड का नित्यानंद प्रभु अनंत करोड़ ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं, जो सृष्टि करता है जो जन्म देता है उनका कर्तव्य है उनको पालन करना, केवल खाना पीना देकर पालना से ये श्रेष्ठ नहीं,
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का जब नामकरण कर रहे थे, उनका एक नाम रखा विश्वम्भर। बोले विश्वम्भर का मतलब क्या? बोले ये विश्व ब्रह्मांड को केवल खाना पीना दे रहे नहीं, जो प्रेम द्वारा विश्व ब्रह्मांड को जो पालन करते हैं, प्रेम द्वारा पालन ही यही सही पालन है। केवल इसको बच्चे को जन्म दे दिया, खाना पीना देकर बड़ा कर दिया, नहीं। इसलिए भागवत में कभी ऋषभ देव कहते हैं, बोले गुरु न सस्यात्, स्व जनक न सस्यात्, पिता न सस्यात्, दैवम न तत् साधनम न पतिम सस्यात्, न मोचरित जहाँ समपेयर मृत्यु। कहते वो पिता पिता नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो बंधु बंधु नहीं, वो पति पति नहीं, वो पत्नी पत्नी नहीं। अगर अपना पति अगर अपना पत्नी को भगवत राज्य में नहीं चला पाए, पिता माता अगर बच्चे को प्रभु का भक्ति मार्ग में नहीं चला पाए, गुरु अगर शिष्य को भगवत भक्ति के उपदेश में नहीं चला पाए, वो देवता जो पूजा ग्रहण करते हैं, जो पूजा लेने वाले से अगर प्रभु की भक्ति मार्ग में नहीं चला पाए, तो कहते गुरु गुरु नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो मना कर देते। कहते वो सज्जना का दस्यु, वो एक तरह का डाकू है। डाकू जैसे सब कुछ लूटते हैं, वो ऐसे ही सारे हमारे एनर्जियों को, ये परिवार सारे एनर्जियों को लूटते रहते, इस सत्य से वो डाकू है, भागवत कहता है। इसलिए असली जो पालन है जीवों को, भगवत भक्ति को द्वारा अगर हमने पालन कर पाए, इसलिए सुमित्रा कहती है, बोले पुत्र बती जो बती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुत होई। इसलिए सुमित्रा कहते हैं, उसी माँ को ही गर्भधारण करना सार्थकता है, अगर अपना बेटे को भगवान की भक्ति में लगा पाए। नहीं तो सुमित्रा कहती हैं, अगर भक्ति में नहीं लगा पाए ना, तो माँ को बांध रहना सही, फिर कोई जरूरत नहीं बच्चे जन्म देने का। मेरे सूर्य भी तो एक साल में 15-15, 20-20 बच्चा जन्म देता है। अगर तुमने 2-4 जन्म दिया तो कौन सा बड़ी बात कर दी। अगर बच्चों को भक्ति में नहीं लगा पाए, वो मना कर देती है सुमित्रा, उसको बांझ रहनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं बच्चों को जन्म देने, मना कर देती हैं। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु और ब्रह्मा जगत को सृष्टि उन्होंने किया है, इसलिए इनका कर्तव्य किया है, उनको भगवान की भक्ति में लगाए। इसलिए श्री महाप्रभु ये दोनों व्यक्ति को भेजते हो गया ना। अभी प्रश्न है, उन्होंने क्या चीज भिक्षा मांगने के लिए भेजा? पहला नंबर बोलो कृष्ण, दूसरा नंबर भज कृष्ण, तीसरा नंबर कर कृष्ण शिक्षा। अभी प्रश्न है, ये तीन चीज को उन्होंने क्यों भिक्षा में मांगा, इसका क्या रहस्य है? तो प्रभुपाद इसको ऊपर में बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे, बोले बोलो कृष्ण। बोलना तो क्या बोलना, केवल कृष्ण ही बोलना, और कोई बात मत कहा। क्योंकि कृष्ण को छोड़ करके जब हम और कोई बात करते हैं, प्रद्युम्न ठाकुर कहते हैं, आना तथा ना कहिवे, आना तथा ना बोलिवे, जति मिलिवे आने। मतलब है जब तुम दूसरों को साथ में मिलते हो, भगवान की कथा छोड़ के तो और कोई बात नहीं करना। आना तथा ना सुनवे, भगवान की कथा छोड़ के तो और कोई बात नहीं सुननी चाहिए। सुनेंगे तो भगवान की कथा, बोलेंगे तो भगवान की कथा। बोले क्यों, कारण क्या? बोले कारण है, आप जिस चीज को सुनोगे ना, आपका अभिनिवेश उतर जाएगा। अरे दुनिया की बात सुनोगे सिर्फ मन कहाँ जाएगी, भगवान का तरफ में जाएगी, दुनिया की तरफ में जाएगी, क्योंकि जिसकी चर्चा कर रहे हो मन उतारी उधर जाएगी। लेकिन जब भगवत चर्चा सुनोगे मन कहाँ जाएगी, भगवान का तरफ। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, क्या कथा सुन रहे हैं, भगवान की चर्चा, ठाकुर कथा सुन रहे हैं, इसलिए हमारा मन किसमें है, भगवान। इसलिए इनका नाम है कथा, क मतलब रस, था मतलब जो कथा हमें भगवत रस में हमें स्थापन कर दे, इसलिए इनका नाम है कथा। इसलिए कथा को हमारे भागवत में अलग अलग नाम दिया है। देखो मन देखकर सुना, कल मैं आप लोग सुबह सुनूंगा, ठीक है, देखना कौन कितना याद कर पाएगा, ठीक है ना। इसलिए एक मन से सुनो,
ठीक है, एकमत से सुन रहे ना। इसीलिए यहाँ पर भागवत ने कथा को अलग अलग नाम दिया है। कथा को गोपियों ने क्या कहते हैं, बोला कृष्ण, मतलब जो कृष्ण बोलता है वो क्या चीज देता है। चलिए गोपियां कहती हैं, तब कथा मृतम तात जी इवना बोलो। जब आप कृष्ण बोलते हो, गोपियां कहती हैं, अगर कृष्ण बोलते हो ना, बोले तब कथा अमृतम, तुम्हारी कथा नहीं, ये अमृत है जो अमरत्व को जीव को प्रदान कर रहे, अमरत्व है। इसलिए से सुखदेव गोस्वामी जब बोले, क्या बोले, बोलो कृष्ण, केवल कृष्ण ही बोले। और परीक्षित महाराज कृष्ण कथा सुनते 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 सीधा भगवत नाम, सीधा भगवत प्राप्ति कर लिया, केवल कृष्ण कथा सुनते सुनते। इसलिए बोले तब कथा मृतम, अगर कृष्ण बोलोगे तो जीव को अमरत्व की प्राप्ति होगी। तब कथा मृतम बोले तप्त जीवनम, अगर कथा सुनोगे ना, संसार का जो उत्तप्त जीवन है, जो कोई तन से दुखी, मन से दुखी, परिवार से दुखी, बेटा से दुखी, बेटी से दुखी, बहू से दुखी, सास से दुखी, ननद से दुखी, अगर कथा सुनोगे ना, जो उत्तप्त जो जीवन में खत्म हो जाएगी। इसलिए बोले कभी भी ऋणितम है। इसलिए बड़े बड़े कपिलों कथा को बोलते हैं, कौन, जैसे सुखदेव गोस्वामी, श्री व्यासदेव जी, श्री नारद जी, श्री चतुर्संग जी हैं, ये बड़े बड़े कपिलों, प्रभुपाद जी, कभी जितने बड़े बड़े कपिलों को हुए ना, सबके सब भगवान की कथा को ही गान। इसलिए बोलो कृष्ण, इसलिए गोपियां कहती हैं जगत में तो बहुत बड़ा बड़ा दान है, कोई स्कूल दान, कोई कॉलेज दान करता है, कोई पढ़ाई दान करता है, कोई रोटी दान करता है, कोई कपड़ा लता दान करते हैं, कभी ये दान सर्वश्रेष्ठ दान नहीं। बोले सर्वश्रेष्ठ दान किया है, बोले जो कृष्ण कथा के दान करता है। बोलो कृष्ण, अगर कृष्ण बोलोगे तो इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा दान है कृष्ण जब बोलोगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए कहीं कहीं पर कथा को जो बोलते हैं, कहीं कहीं पर उसको अमृत का नाम दिया। कौन अमृत का नाम बोले, गोपियां कहती हैं तब कथा अमृत। लेकिन कहीं कहीं पर भागवत को एक तो अमृत कहीं बोले, कहीं कहीं पर रसायन बोले। बोले रसायन कौन बोलते हैं, बोले भगवान कपिल देव अपना माँ जो कथा सुनाते हैं, बोले माँ ये कथा नहीं रसायन है। शतांग प्रसंगात मम वीर संपित भवंती कर्ण रसायन तथा ताजो सनासो अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम सती। जब उनको मां ने बोली बेटा ये भवसागर से हम कहाँ कैसे होंगे, हम स्त्री जाति है, मन बड़ा चंचल है, कभी बेटे को पास में, कभी बेटी को पास में, कभी नाती को पास में, कभी पोती को पास में, कभी जेठ, मन पागल जैसे भटकता रहता है। मन हमारा मन तो पूरे पागल मन है, ये चंचल मन को हम मजबूत कैसे करें, और हमें शांति और ये मन भगवान के चरण में कैसे लगे। माँ बोलो कृष्ण बात, केवल तुम कृष्ण कथा ही सुनो। इसलिए सतान प्रसंगात्मा मेरी जो संगीत हो, जब सत्संग में तुम मेरी कथा को सुनोगे ना, माँ बड़ा बलवान कथा है, ये कथा सुनोगे तो श्रद्धा पहले उसके बाद में भाव, और यही कथा ही तुम्हें प्रेम को प्रदान करेगी माँ। और ये कथा कैसे, बोले अ प वर्ग वर्तमनी, ये कथा तुमको प वर्ग, प वर्ग मतलब प ह व भ और म, कहते तुमको ये पांच चीज देने वाले हैं, प प ब भ और म। प मतलब परिश्रम, फ मतलब फेंट, कभी कभी संसार में इतने परिश्रम करते हैं उसे फेंट झाग निकल जाती है। बोले ब मतलब व्यर्थता,
बोले भा मतलब भाई, बोले माँ मतलब मृदु। अगर माँ कथा सुनोगे ना बस ये सारे बस तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। जन्म मृत्यु का चक्कर, भय, परिश्रम सब सार्थकता हो जाएगी माँ अगर तुम भक्तों का संग करोगे। इसलिए इसको श्री कपिलदेव कहते कथा नहीं, ये क्या है? बोले प्रीति कर्ण रसायन। रसायन एक दवा है जो 10 तरह का जड़ी बूटी से बनती है, और अगर रसायन पियो ना तुम्हारी जितने तुम्हारी बीमारी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, और शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट हो जाएगी, एकदम ताकतवर बन जाओगे, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। हैं कहते हैं कि जो कथा है ना रसायन है। बोले किस चीज की रसायन? बोले हृदय और तन, ये कान को भी आनंद देता है और हृदय को भी आनंद देता है, दोनों को ही आनंद देता है, तभी तो आप लोग दरबार छोड़ के बैठे कथा सुन। इसलिए हृदय और ये कर्ण को ये रसायन देने वाले आनंद देने वाले ये माँ कथा बड़ा आनंद देता है। इसलिए श्री पृथ्वी महाराज भगवान से कहते हुए प्रभु मेरे को 10,000 काम दे दो कथा सुनने के। 10,000 काम, दो काम तो अच्छे लग रहे, यहाँ यहाँ सिर्फ कान ही कान हो जाए बड़ी अच्छा लग रहा। बोले नहीं 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 प्रभु, कान तो दो ही हो, लेकिन इन दोनों कानों में हमें इतनी शक्ति दे दो जैसे 10,000 कानों में कथा सुनने का जो शक्ति है, तो बोले ये दोनों कानों में हमें दे दो प्रभु। हैं इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं तुम दे तांडव नृत्य नृत्य तुम डावल जन भये। इसलिए हमें करोड़ों करोड़ जीवा दे दो। बोले क्यों? बोले बोलो कृष्ण, हम कृष्ण ही बोले। बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर से सब सो रहे हैं, हरे कृष्ण भगवान की कथा हृदय में प्रवेश करता है। हैं इसलिए कहीं पर कथा को क्या बताया? रसायन। कथा क्या बताया? ये रसायन बताया। और कहीं कहीं कथा को औषध बताया, दवा बताया। बोले कौन बताया? बोले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले निप्रीत सही रूप गीय माना भव औषध छत्र मनोविरामा कह उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजते बिना पशुघ्ना। जब जो भगवान की कथा नहीं सुनते ना, जो कृष्ण नहीं बोलते हैं लोग पशु आती है, और भगवान की कथा में इतने रस है इतने आनंद है। बोले आत्मा राम समय निर्गंथा भी गुरु प्रति पूर्वन अहित भी भक्ति इतम भूत है। भगवान की ऐसे हरि की महिमा है, ऐसे भगवान की महिमा है जो आत्मा में रमण करने वाले जो बड़े बड़े योगी और जो बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं वो भी अपना आत्मराम का छोड़ करके बोले कुर्बन अहित की भक्ति, भगवान की अहित की भक्ति करने लग जाते हैं। ये भक्ति में भगवान की कथा में इतने रस और कथा में इतने आनंद है कथा में। इसलिए इसको क्या बताए? कथा को क्या बताए? दवा बताए। कृष्ण कथा को क्या बताया? कौन बोला? इसलिए कथा को औषधि बताया, इसको दवा बताया। तब यहाँ पर कहते हैं बोले भैया दवा खाए, एलोपैथिक दवा खाए, हमें कहते ना झट मुँह में डाल देंगे ना पानी दे सत्ता लेते कट लेते ना। बोले क्यों? बोले बहुत कौला एलोपैथिक बड़ा दवा बहुत कौली। बोले आप तो बता दिया भव औषध, मतलब भवसागर से पार करना चाहते हो, भगवान की कथा कैसे? बोले ये औषध दवा है। बोले दवा तो कड़ू होता है क्या? ये कड़ू ही है। बोले नहीं 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 कड़ू ही नहीं। बोले हृदय करने रसायन, ये हृदय और कान को बड़े आनंद देने वाले, ये ऐसे दवा नहीं।
ये बड़ी मीठी दवा है और ये कान को भी आनंद देने वाले हैं और हृदय को भी ये आनंद देने वाले, इसमें कड़वी इसमें नहीं। इसलिए कहीं कहीं पर भागवत कथा को क्या बताया, ये दवा है, लेकिन कहीं कहीं पर कथा को होता है आसव। आसव मतलब होता है मदिरा, समझ रहे हो? अरे ट्रांसलेशन इसलिए कथा को कहीं कहीं बताया, क्या बताया, ये कथा नहीं, क्या बताया कथा को, ये आसव। आसव मतलब शराब है, इसलिए ये कथा एक शराब जैसे, लेकिन शराब भी जब शराब पीने का उसको समय होगा ना, वो पागल हो जाता है। जब तक वो शराब नहीं पिएगा ना, उसको चैन नहीं पड़ेगा। वो शराब पी कर उसको चैन नहीं पड़ेगी, नहीं तो उसको चैन नहीं पड़ेगा। इसलिए कहीं कहीं बताया ये कथा है ना, ये शराब है। जैसे आप लोग सब बड़ी बड़ी शराब है, कहते वो जो शराब है ना, उसका नशा तो उतरती है, लेकिन इसकी नशा उतरती नहीं, इसका नशा बढ़ती है। इसकी नशा ये कभी उतरती नहीं, ये नशा बढ़ती है। और जो शराब है जैसे वो उतरती और वो बढ़ती है, लेकिन ये उतरने वाले नहीं, ये बढ़ने वाले शराब है। और एक चीज समझना, अगर पिता शराब पी रहा है ना, वो कभी भी अपना बेटा को नहीं बोलेगा तो शराब पी, बोलेगा क्या, बोले बेटा मैंने जीवन बर्बाद कर दिया, इसलिए मैं अपना जीवन को बर्बाद कर दिया बेटा, लेकिन तू कभी ये जीवन को बर्बाद नहीं कर। शराब कभी कभी पिता बोलता है बेटे शराब पियो, कभी नहीं बोलता, बोले बेटा तू कभी मत पिया कर, लेकिन ये शराब को कोई पी लेगा ना, अगर बेटा पी लेगा वो कोशिश करेगा कब, अगर उसको पिताजी पी लेगा ना, वो कोशिश करेगा बेटे को कैसे पिया। और जब तक बेटे को नहीं पिलाएगा ना, बेचैन से रहता है, बेटे ऐसे भक्ति माए भजन करे, मैं भक्ति करता हूँ। अगर पिता पी लेगा ना उसको, अपना पत्नी को, पति अगर पी लेगा, कोशिश करेगा भैया ये पत्नी को भी थोड़ा पीना। अगर पत्नी पी लेगी फिर कोशिश करेगा भैया मेरे पति भी भक्ति में आ गया, वो भी थोड़ा पी ले, हैं वो भी थोड़ा पी ले, मतलब वो भी थोड़ा प्रभु के भजन में लग जाए, वो भी थोड़ा पी ले। वो तरसते रहते हैं कि कब हम अपना परिवार को भगवान की भक्ति राज्य में, कब इनको कब लाए, सबको हम पिलाना, सबको पिला दे। हाँ जैसे आप लोगों को पी लिया, कोशिश करते हो और सब उसको भी मिला जाए, बोले भैया मंदिर में आप कथा सुना, आप भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम, जोर से बोलो, सब सो रहे थे। अगर कोई पिएगा नहीं ना, वो क्या करेगा जानते हो, वो पकड़ से पैसा निकलेगा और निकाल करके कोशिश करेगा सबको मिला। अब देखना जो एक बार भक्ति में कथा में आ गया ना, वो कोशिश करता हम लोग बुला बुला करके अपना पकड़ से पैसा खर्चा खर्चा करके प्रोग्राम रखवाते, सब दुनिया बुला भैया आओ कथा सुनने के लिए, आओ कथा सुनो, हाँ अपना पकड़ से पैसा निकाल करके वो दूसरे को पिलाना चाहेगा, हैं दूसरे को पिलाएगा। अब कुछ दिन बाद जब वो पी लेगा ना, फिर वो भी पकड़ से पैसा निकलेगा, वो भी पकड़ से वही पैसा निकालना शुरू कर देगा, निकाल कर क्या करेगा, दूसरों को पिलाना उसने शुरू कर देगा। इसलिए जिसको ये नशा लग जाए, हाँ ये नशा ऐसे का नशा है ना भैया, दुनिया को पागल करने वाली नशा है। इसलिए गोपियाँ कहती हैं भ्रमर गीत में, गोपियाँ कहती हैं बोले खबरदार जो साधु लोग विश्वास मत किया, ये बगल में भागवत दवा दवा करके ना कहते भैया बिना पैसा में कथा सुना के आ जा, बोले खबरदार है कि पल्ल में बंद करा करो, ये तो स्वयं पागल है, घर वाले छोड़ के पागल है और दुनिया भी पागल बनाना चाहते हैं, खबरदार इनके बाद में फंसना नहीं है, इनके बाद में फंस गया ना मैं फंस ही जाऊँ। इसलिए राधा रानी कहती भैया इनकी बात को मत मानो, इनको बात मानो, ये बिहंगा ही बस चलती, जैसे पक्षी क्या कहता है एक वृक्ष से दूसरे दूसरे तीसरे ना, बस इनका भी कोई धर्म का नहीं और दूसरों को भी छुड़वाना चाहते, खुद का भी है नहीं और दूसरे को भी ये छुड़वाना चाहते, खबरदार इनके पल्ल में पड़म मत। इसलिए ये कथा को इसलिए महाप्रभु कहते हैं बोलो कृष्ण, जब हम तुम कृष्ण बोलोगे फिर तुम्हारे भी कल्याण है और दूसरों का भी कल्याण है, अगर कृष्ण नहीं बोलोगे तुम्हारा भी कल्याण नहीं और जो सुनने वाले का कोई कल्याण नहीं। और कृष्ण
कृष्ण कथा कदि ये अभिन्न है, इसमें कोई फर्क नहीं, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए ये बात को कौन बता रहे हैं, बोले स्वयं कृष्ण की बात को कह रहे हैं। बोलो कृष्णा, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, भैया कृष्ण ही बोल सकते हैं, तुम मेरे नाम को लो, तुम्हारे कल्याण होगा। कृष्ण ही ये बात बोल सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, बोले राधा भाव सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, ये स्वयं कृष्ण कह रहे हैं। भैया क्या बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, इसलिए बोले बोलो कृष्ण। दूसरा जो शब्द है बोले भज कृष्ण, कहते भजन करना तो किसको भजन करनी चाहिए, कृष्ण भज, और किसको भजन मत किया करो, मना कर दो, बोले कृष्ण ही भजन करो, बोले कृष्ण भजन क्यों करे, और किसको क्यों भजन नहीं करे, बोले कृष्ण भजन करने से क्या होता है, जीव कृष्ण भक्ति करने से बोले जत गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने से जीव जगत में कभी वापस नहीं आता है। लेकिन आप ब्रह्म भुवन लोकात पुनरा भक्ति न, अगर तुम दूसरे देवादेव को पूजा करोगे वहां पर तो जाओगे, लेकिन पुण्य खिन्न पुण्यम मर्त्यलोकम विश्वेश्वर, पुण्य समाप्त होने पर फिर वहां से गिरोगे, फिर वहीं से गिरोगे। लेकिन कृष्ण भक्ति में कभी उल्टा रिएक्शन तब भी नहीं होता है। लेकिन दूसरे दूसरे देवादेव के भजन में अगर थोड़ी सी तुम्हारी उल्टा पुल्टा कुछ हो गया, देवी पूजा कर रहे हो, थोड़ी सी तुम्हारी मंत्र पूजा में हो गया, जिसको पूजा कर रहे हो वही संगत है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कृष्ण को छोड़ करके जिसको भजन करते ना, देखो रावण किसको भजन किया, रावण का इष्ट कौन था, संकल्प लंका जलाया किसने, हनुमान कौन है, वो शंकर है, हनुमान शंकर है। और जिसको वो जिसको पूजा कर रहा है ना, वही जाकर लंका को जला कर खत्म कर गया है। किसने शंकर जी को बोले, बोले क्यों शंकर जी, देख तेरे चेले को देख कैसे आग जल रहा है, लंका जल रहा है, तेरे चेले को देख क्या हो रहा है, कैसे कैसे। शंकर जी कहते हैं जो राम से विमुख होता है ना उसको ऐसे ही पता, राम विमुख कभी सुख नहीं पाता। शंकर जी कहते हैं राम से विमुख होने पर उसका फल यही। इसलिए भजन भजन करे तो किसको भजन करे, कृष्ण भज, क्यों कृष्ण बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु, इसलिए बोले हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन गते गोपे सरकांत राधा कांत नमस्तुते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अहो बकियम स्तन काल कुटम जिज्ञासया असाधी ले वे धातु चितम गतोन्यम कम बा दयालु शरणम ब्रजेम। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पुतना अपवित्र है, राक्षसी बच्चों को खून पीने वाली भगवान के जहर लेकर गए थे, लेकिन गुण अवगुण प्रभु देखो ना, भगवान किसी का अवगुण पर तो नजर नहीं देते हैं। उसने जो केवल नाटक केवल रचाया, बोले मैया जसोदे इतने सुंदर लाला को थोड़ी पल्ले में झुलाते हैं, उसको तो प्यार देनी चाहिए। सो नाटक रचाए एक क्षण के लिए कृष्ण को बात्सल रूप दर्शन, कृष्ण कहाँ स्थान दे दिया, बोलो वृंदावन ने स्थान दे दिया। इसलिए बोले भज कृष्ण, और तीसरा जो वार है कर कृष्ण शिक्षा, शिक्षा करना तो किस चीज की शिक्षा पाओ, बोले भगवान कृष्ण की शिक्षा पाओ। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर कृष्ण शिक्षा प्राप्त करोगे ना, कृष्ण शिक्षा प्राप्त करोगे, देखना भले ही जिंदगी में जो कुछ घटना कर लो, लेकिन लास्ट समय आएगा जब चार व्यक्ति ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात उठा। इसलिए महाप्रभु जब केशव काशी में से मिले, जब माता सरस्वती ने उनको वरदान दिया था जगत में तेरे कोई परास्त नहीं कर सकते, जब केशव काश्मीर को महाप्रभु परास्त कर दिए, सरस्वती को पूछे क्यों ऐसे हुआ, सरस्वती स्वयं कहती बोले बेटा मेरी दो तरह का कृपा है, जिसको मैं सही सही कृपा करती हूँ उसको मेरे प्रभु तक पहुँचा देती हूँ, जिसको मैं कृपा नहीं करता हूँ संसार में भी गधा बनता, दिन भर जीव क्या करती गधा ही था, गधा जैसे बोझ को ढोते हैं जिंदगी और संसार को बोझ ढो, फिर पत्नी की गाली सुनो, बेटा का गाली सुनो, पिता की सबको सबको सेवा करो, सबका ध्यान पीठ में सबका झाड़ू करता, सबकी सेवा करो और सबका गाली घर में सबकी गाली सुनते रहो। इसलिए कहते जिस जो मैं जिसको पर कृपा नहीं करता उसको गधा बना देता हूँ, जिसको पर कृपा करता हूँ भगवान को पहुँचाता हूँ। बोले जाओ महाप्रभु शरण में जाओ, फिर महाप्रभु के पास में गए, महाप्रभु क्या कहते हैं,
बोले ए देह छाड़िया चलिए विद्या व पौरुष संगे किच्छू नहीं चले। जब ये शरीर तुम्हारी छूट जाएगी ना, जितने डिग्री तुमने पाई एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर साल विद्या यहीं पर रह जाएगी, आगे कोई तेरे साथ में विद्या चलने वाले नहीं। शरीर खत्म सारी विद्या खत्म, लेकिन आगे कौन सा विद्या चलेगी? पायो जी मैंने राम रतन धन पास। इसलिए महाप्रभु कहते हैं बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण सिख्या। तो प्रभुपाद इसमें कहते हैं कर कृष्ण सिख्या मतलब है बोले चेत दर्पण मार्जनम। जब कृष्ण सिख्या को प्राप्त करोगे ना, तुम्हारे हृदय में भी दर्पण परिमार्जन हो जाएगा। भव महाधर्वाद में निर्पापनम, संसार का जितने दुख कष्ट है सारे दुख कष्ट तुम्हारे समाप्त हो जाएगी। बोले श्रेय कैलव चंद्रिका विकरणम, भगवान के नाम रूपी किरण जब हृदय रूपी कुमुदिनी के ऊपर पड़ेगी तुम्हारी हृदय रूपी कुमुदिनी खींच जाएगी। हैं इसलिए कहते विद्या वधु जीवनम, विद्या की जो वधु रूपी विद्या की जो जीवन स्वरूप क्या है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बोले प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, प्रतिपद पद में नई नई आनंद के आस्वादन करोगे। एक दिन ऐसा आएगा पूरा कृष्ण भक्ति रस में शरण बन जाओगे। इसलिए कहते भज कृष्ण बोलो कृष्ण कर कृष्ण सिख्या। सिख्या करना तो किस चीज की सिख्या करो? कृष्ण भक्ति की सिख्या करो बस, यही सिख्या तुम्हारे काम में आएगी और सारी सिख्या बाद चीर हो जाएगी। हाँ प्रभुपाद तो बहुत कुछ बात बताए, फिर कल हम लोग सुनेंगे चैतन्य चरितामृत सुनेंगे। और चैतन्य चरितामृत में राय राम उसमें 5 टॉपिक है, हम थोड़ी बहुत और 3 दिन हम हैं, हाँ 3 दिन हैं, इसलिए हम उसमें कोशिश करेंगे श्री राय रामानंद कथा संवाद को सुनने के लिए। वो संवाद बहुत अच्छी है जिसको ऊपर में गुरुदेव ने स्वयं अपना टीका लिखे और बड़े सुंदर उसके ऊपर व्याख्या की और इतना सुंदर टॉपिक है। अगर उसको एक बार सुन लिया ना शांत रह सकिया, शांत मार दुनिया में सख्य रह सकिया, बात्सल रह सकिया, मधुर रह सकिया, रस किसे कहते हैं हाँ। और ये सर्वोत्तम रस क्या है और जीव कैसे धीरे धीरे वो रस को कैसे प्राप्त कर सके, उसमें महाप्रभु स्वयं प्रश्न करने वाले और राय रामानंद उत्तर देने वाले। उसका जो तारतम्य है ना, हम कोशिश करेंगे गुरुदेव ने जो चीज को लिखे वो चीज को हम सुनने के लिए ठीक है। निताय गौर प्रेमानंदे बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
जय 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 ज